खबर रीवा से। दिनांक 11 अगस्त 2021 को 3 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी रीवा के सौजन्य से सैनिक स्कूल रीवा के मनीक्षा हॉल में देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवान एवं उनके परिवारों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किए जाने का आयोजन किया गया। रीवा में जिले के शहीद एवं शहीदों के वीर नारियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीरता पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें वीर नारी रेखा सिंह पत्नी स्वर्गीय शहीद नायक दीपक सिंह गहरवार, जो गलवान घाटी में दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देश रक्षा में लगा दिया, वहीं श्री रंगदेव सिंह पिता स्वर्गीय शहीद सुखेंद्र सिंह बघेल, जो कश्मीर वैली में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते हुए अंततः देश रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए। उक्त अवसर पर शहीदों का सम्मान एवं वीर नारी व परिवार को वीरता पुरस्कार ब्रिगेडियर SS बख्शी, ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप मुख्यालय सागर, जिला कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह ने अपने कर कमलों से प्रदान किए। उक्त अवसर पर वीर नारी रेखा सिंह जी ने युवा पीढ़ी एवं NCC कैडेट्स को अपने प्रेरणादायी स्पीच में संबोधित किया। वहीं ब्रिगेडियर SS बख्शी, ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप मुख्यालय सागर ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज यह आयोजन उन वीर शहीदों एवं उनके परिवारों के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से बहादुरों और उनके परिवार के साहस, चरित्र और प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए देश भर में 75 शहरों में DGNCC इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह कार्यक्रम रीवा में भी आयोजित किया गया है। इस स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों के बहादुरी का उत्सव भी है। हम यहां नायक दीपक सिंह व सुखेंद्र सिंह बघेल के बहादुरी को पहचानने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बहादुरी का परिचय दिया है। इनकी बहादुरी बहुत ही प्रेरणादायी रही है। अंत में वीर नारी रेखा सिंह, श्री रंगदेव सिंह बघेल को समारोह में भाग लेने और हमें भारत के बहादुरों का सम्मान करने का मौका देने के लिए सैल्यूट करते हुए सम्मान करता हूँ। वीरता पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सैन्य अधिकारी कर्मचारियों ने शहीदों को शत शत नमन किया। इस समारोह को सफल बनाने में सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश विंडा ने प्रशासनिक व्यवस्था में अपना सराहनीय सहयोग दिया, जिसके लिए 3 मध्य प्रदेश बटालियन NCC के कमान अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्नल राजेश सिंह उपस्थित हुए। साथ ही वरिष्ठ सैन्य एवं सिविल अधिकारियों वीर शहीद परिवारों का आभार प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। इसके पश्चात संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष जून की शुरुआत में ले में दमन में